एक्टर दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिली है कि उन्हें मंगलवार की सुबह दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप कुमार की वाइफ सायरा बानो ने बताया कि वैसे भी उन्हें हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए हमें लेकर जाना ही था, लेकिन पैरों में सूजन की वजह से उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की एक टीम उनका इलाज के साथ उन पर निगरानी बनाए हुए है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार को सर्दी और खांसी की भी शिकायत है। सायरा बानो ने कहा कि इंशाल्लाह दिलीप कुमार जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो उनको 11 दिसंबर से पहले घर ले जा सके। बता दें कि दिलीप कुमार दिसंबर महीने में 94 साल के हो जाएंगे। 11 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। वेल, हम भी यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, और वैसे भी फैंस की दुआएं तो आपके साथ है ही।